हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, दिन है आज मंडे और सुबह के करीब 5:30 बजे का वक्त है इस समय। वैसे तो उठ मैं 5 बजे ही जाती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि अलार्म मेरा 5 बजे का ही लगा रहता है, लेकिन वही वीडियो शुरू करते करते मुझे 5:30 बज जाते हैं। तो आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो जो नाइट में दही जमा के रखी थी उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और उसके बाद जो है बच्चों के लिए नाश्ते की और उनके लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज मंडे है तो उनको स्कूल जाना है। तो मेरा एक दिन पहले से ही डिसाइड होता है कि मुझे क्या बनाना है नेक्स्ट डे। तो आज मैं बच्चों को दूंगी टिफ़िन के लिए इडली और साथ में बनाऊंगी चटनी। तो सबसे पहले जो है ना, सूजी को भिगा के रख देते हैं, क्योंकि सूजी भीगने में 15 से 20 मिनट लेती है, और जब तक सूजी भीगेगी उतनी देर में मैं अपने और काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी सूजी मेरे पास पहले की रखी हुई थी और थोड़ी सी मैं लेकर आई थी, तो दोनों को जो है मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाला है, और अब जो है मैं इसमें मिलाऊंगी छाछ। तो ये प्लेन जो प्लेन छाछ होती है ना, वो है, वैसे तड़का वाली भी आती है, तो यहाँ पर प्लेन छाछ से हम इसको भिगा देंगे, और थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करती जा रही हूँ। तो अभी तो मैं इसको नॉर्मल रहने दूंगी, क्योंकि जैसे ही सूजी भीगेगी तो वो फूल के थोड़ी सी और ऊपर आ जाती है, तो 15-20 मिनट में पता लग जाता है कि और कितना पानी डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक काम हो चुका है, और अब जल्दी से जो है चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल की चटनी। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल को अच्छे से धो लिया है, और अब कढ़ाई में डाल के इसको ड्राई रोस्ट करूँगी मैं। तो वैसे आप चाहे तो बिना धोए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा धो के यूज़ कर लिया है, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है तो दालों में ना कीड़े वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो इस वजह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। बस ये है कि गीली दाल को रोस्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। एक तरफ जो है इडली के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, तो इसी कढ़ाई में इडली वाले स्टैंड में रखूँगी। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर सूजी भी बहुत अच्छे से फूल गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें इनो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं 1.5 इनो का पैकेट डाल रही हूँ, मतलब एक तो पूरा और एक में से आधा। तो अपने हिसाब से मैं डालती हूँ, सूजी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए इनो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इडली के स्टैंड लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसमें ऑयल लगा दिया है, और अब ये जो इडली का बैटर है ये भर देते हैं इसमें, और उसके बाद जो है इसको चढ़ा देंगे गैस पर पकने के लिए। तो उतनी देर में जो पानी है ना वो भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, और ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। एक एक करके तीनों स्टैंड में इसमें डाल दूंगी। तो कढ़ाई थोड़ा सा छोटी है तो अभी 3 ही स्टैंड आते हैं, जैसे बड़ी कढ़ाई हो तो ज़्यादा भी आ जाते हैं, और वैसे इडली वाला बर्तन भी है, बट अब मुझे कढ़ाई में ही आदत पड़ गई है। इधर दाल जो है ना वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब इसमें डाल देते हैं 1 से 2 लाल मिर्च, इन्हें भी ड्राई रोस्ट करेंगे, और साथ ही साथ इसमें कड़ी पत्ता भी डालेंगे। उसके बाद दही की हेल्प से इसको पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दही डाल के। तो ये रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद सिर्फ उसमें दही डाल के नमक डाल के उसको जो है ग्राइंड करना होता है, मतलब बहुत अच्छे से पीसना होता है, और लास्ट में उसमें तड़का देना होता है। अच्छा, इधर जो है बच्चे भी नहा धो के बिल्कुल आ चुके हैं, तो विदांश को तो मैं ही नहलाती हूँ सुबह सुबह, और अब जो है इनको इनके स्कूल ड्रेस पहना के कर देते हैं रेडी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और अब ऐसा लग रहा है कि बस ये है कि बच्चों की भी छुट्टी हो जाए, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होंगी ना तो मम्मियों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मम्मियों का क्या होता है कि इतनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी हो, 5 बजे से जो ड्यूटी शुरू होती है ना, तो फिर वो जो है रात तक चलती ही रहती है। तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाने चाहिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि गर्मी में बच्चों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बस इधर जो है इनको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा बालों में ऑयल लगा दूँगी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है वंशिका को रेडी करने में, क्योंकि इसके बाल लंबे हैं ना तो चोटी वगैरह करने में टाइम लग जाता है। तो चारों तरफ ध्यान देना होता है सुबह, इधर एक तरफ नाश्ता, एक तरफ बच्चे, उसके बाद इनको छोड़ने जाना, तो बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चों के पापा अभी तक सोए हुए भी हैं, मतलब उनको मैंने कम से कम 3 से 4 बार उठाया बट वो नहीं उठे। उसके बाद फिर मैंने उन्हें उठाया ही नहीं, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा उठाना नहीं, उन्होंने उठना ही नहीं है, और उसके बाद फिर मुझे अकेले ही छोड़ने जाना होता है बच्चों को, क्योंकि लेट हो जाते ज़्यादा उठाती। तो यहाँ पर अब इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं, बच्चे रेडी हैं। तो टिफ़िन में मैं थोड़ी सी चटनी डालूंगी और इडली। वैसे तो मुझे बिना सांभर के इडली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट चलो आज खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को सांभर ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ वंशिका ही थोड़ा बहुत खाती है, विदांश चटनी के साथ ही खाता है।
फिर जब बच्चों के लिए नहीं बना और सुबह सुबह पॉसिबल भी नहीं था कि सांभर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बनाऊं, इडली और चटनी तो ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर बच्चों के लिए जो है मैंने इडली भी पैक कर दी है, चटनी भी पैक कर दी है। बाकी आज बॉटल्स भरने का काम मैंने बच्चों को दिया था कि अपनी वाटर बॉटल खुद भरो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आते कि दी थोड़ा थोड़ा काम उन्हीं से करवाया करो। और ऐसा नहीं है कि करवाती नहीं हूँ, बट सुबह सुबह ना बच्चे एक तो बेचारे खुद ही परेशान होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो फिर नहीं बोलती हूँ। इधर फ्रूट ब्रेक के लिए दोनों के लिए कीवी रख रही हूँ मैं। तो वंशी का तो सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे से खा लेती है, बट वेदांश के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, लेकिन आज वो फिर भी ले गया। तो यहाँ पर दोनों के लिए फ्रूट ब्रेक के लिए भी जो है फ्रूट्स पैक कर दिए हैं। अच्छा, इधर बच्चों को जो है मैं बस तक जो है छोड़ के आ गई हूँ, स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैंने बनाई है अपने लिए चाय एक कप, और अब आराम से चाय पीऊँगी। साथ ही साथ मेरी बहन का कॉल आ गया था, तो बस अब हम लोग जो है गप्पे शप्पे मारेंगे थोड़ी देर और चाय वाय पियेंगे, और उसके बाद जो है मैं अपना काम, जो मेरा डेली का काम होता है अपना घर की साफ़ सफाई वगैरह करना, वो करूँगी। तो यहाँ पर जो है पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, बच्चों के पापा अभी तक भी नहीं उठे हैं, और उतनी देर में मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग की पूजा फिर किसने करनी थी, क्योंकि आज ये ऑफ़िस भी नहीं गए थे, क्योंकि ऑफ़िस जाते हैं तो फिर मॉर्निंग की पूजा यही करते हैं। तो सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा वूजा करने के बाद फिर जो मेरा नाश्ते वगैरह का काम होगा मैं उसको देखूँगी। अच्छा, इधर जो है अब कपड़े भी जल्दी से डाल देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत तेज़ वाली धूप नहीं आई है। अभी जो टाइम था वो 9:15 का टाइम था, तो 9:15 तक मेरा सारा काम हो चुका था। तो बस यहाँ पर जल्दी से कपड़े डाल दूँगी, और कपड़े डालने के बाद आपको बताती हूँ कि मैंने अमेज़ॉन से अपने लिए क्या क्या परचेज़ किया है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अमेज़ॉन पे 4 तारीख से जो है ना सेल शुरू होने वाली है। बहुत ही अच्छी सेल है, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिलने वाली है, 80%, किसी में 60%, तो ब्रांड के हिसाब से। तो सेल का वेट तो मैंने नहीं किया, मैंने तो अपने लिए फटाफट से जो है चीज़ें ऑर्डर करा ली। तो ये जो मैंने फेस वॉश इस बार ऑर्डर कराया है ना, ये डर्मा का फेस वॉश है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये हर स्किन टाइप के लिए है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखता है स्किन को, डीपली जो है स्किन को क्लीन कर देता है, और पैराबिन फ्री है, इसीलिए मैंने इसको मंगवाया है, और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आया है, और खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसको जब मैंने यूज़ किया ना, तो मतलब इतना ज़्यादा फ्रेश फील हुआ ना, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। उसके बाद मैंने जो अपने लिए क्रीम मंगाई है वो ये डर्मा की क्रीम है। अच्छा, इसमें कोजिक एसिड है, फेस क्रीम है ये, और स्पेशली मैंने पिगमेंटेशन की वजह से मंगाई है, क्योंकि मेरे फेस में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने ये वाली क्रीम मंगाई है। ये डे और नाइट क्रीम दोनों है, तो आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क स्पॉट है, चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो ये वाली क्रीम आपको जो है लेनी चाहिए, ये यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छी क्रीम लगी मुझे तो। अच्छा, खुशबू की बात करें तो इसमें कोई आर्टिफिशियल वाली खुशबू नहीं है, इसमें थोड़ी सी खुशबू वैसे ही है जैसे दवाई से आती है ना, क्योंकि ये इसी पर्पज़ से बनाई गई क्रीम है, और एक तरीके से जैसे आपको मेडिकल से कोई क्रीम मिलती है, कुछ दवाई वगैरह उसी टाइप की है। और जो अगली चीज़ मैंने मंगाई है वो ये लिप शेड मंगवाया है, प्यारा सा मेबलिन का है ये, और मेरे पे डार्क शेड बहुत सारे थे, इस तरीके का न्यूड शेड मेरे पास नहीं था, तो वो भी मैंने इस बार जो है ऑर्डर कराया है। तो अगली चीज़ जो मैंने अमेज़ॉन से परचेस की है वो है मेरा फेवरेट शैम्पू। तो इस बार मैंने डव शैम्पू जो है वो परचेस किया है। अच्छा, शैम्पू मैं नॉर्मली भी परचेस कर सकती थी, बट हुआ ये कि अमेज़ॉन पे ना मुझे ये 1 लीटर का इस तरीके का जो बॉटल है वो मिल गई, और सबसे बड़ी बात कि इसमें मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। तो जब आप इस तरीके की बड़ी बॉटल परचेस करते हैं ना अमेज़ॉन से, आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट उसमें मिलता है, और ये वाला शैम्पू ना मेरा फेवरेट शैम्पू है, मैं यही यूज़ करती हूँ। और बहुत बार आपके कमेंट्स भी आते कि दी आप अपने हेयर पे कौन से शैम्पू लगाते हो, कौन सा कंडीशनर लगाते हो, तो ये डव शैम्पू जो है 1 लीटर का है, इसको मैंने परचेस किया है, और यही जो है मैं अपने हेयर पे लगाती हूँ। और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, मतलब अभी 3-4-5 महीने तक मुझे शैम्पू खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ जो मैंने परचेस की है वो है ये डव का कंडीशनर। तो ये जो कंडीशनर है ये उनके लिए है जिनके कि बहुत ज़्यादा वीक बाल होते हैं, बहुत फ्रीजी होते हैं बाल, तो उनके लिए है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, तो ये उनको भी रोकने में आपकी हेल्प करता है। सेम शैम्पू और सेम ही कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ, तो ये दोनों ही मैंने अमेज़ॉन से परचेस किए हैं। जितनी चीज़ें भी मैंने अमेज़ॉन से परचेस की है उनका लिंक मैं आपको दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जाके जो है चेक कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो जी दोपहर के बज गए हैं ठीक 2, और मैं बस अभी किचन में लंच बना रही थी, तो थोड़ी थोड़ी देर में ना मैं
इस रूम पे आती रहती हूँ कि बाहर बहुत गर्मी और यहाँ चल रहा है कूलर, और आज विदांश की जो है तबीयत ख़राब है तो वो लेटा हुआ है। तो सुबह तो स्कूल गया था अच्छा खासा, 9:30 बजे के करीब इसके स्कूल से कॉल आई कि विदांश की तबीयत ख़राब हो रही है, उसको वॉमिटिंग हो रही है। तो फिर ये फटाफट से चले गए थे उसको लेने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, इसे अचानक से सर दर्द और उसने उल्टी करनी शुरू कर दी थी। तो घर आया, मैंने इसको दवाई वगैरह दी है और बस अभी थोड़ा सा आराम कर रहा है। देखते हैं, अगर इवनिंग तक भी ये ठीक नहीं हुआ तो फिर इसको डॉक्टर पे ले जाएंगे हम लोग। और ये गए हुए हैं वंशिका को लेने के लिए, क्योंकि वंशिका का भी जो है आने का टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं। जो है मैं आज बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो यहाँ पर कढ़ी पक रही है, देखिए पकौड़े वगैरह सब कुछ बन गया है और चावल भी चढ़ा दिए। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि मैं नाश्ता करके ना तुरंत तब से विदांश के ही पास बैठी हूँ। ये मतलब मुझे काम ही नहीं करने दे रहा था, कह रहा था मम्मा मेरे ही पास बैठ जाओ, तो बस मैं इसी के ही पास बैठी रही। अभी थोड़ा सा ये सोया तो मैं जल्दी से किचन में आई हूँ क्योंकि फिर वही लंच का भी टाइम हो रहा था। तो चलिए जल्दी से लंच बना लेते हैं, थोड़ा सा मैसी किचन है इसको मैं क्लीन। तो जब तक विदांश सो रहा था उतनी देर में मैं किचन में आई और मैं जल्दी जल्दी से जो है ना लंच की तैयारी करने लगी। तो मैंने चावल भी साफ़ करके भिगा दिए थे और कढ़ी भी चढ़ रही थी, एक तरफ पक रही थी, और साथ ही साथ जो है कढ़ी के पकौड़े भी मैंने बना दिए थे। तो किचन थोड़ा सा मैसी था तो उसको पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद जो लास्ट काम बचता है वो है कढ़ी में तड़का लगाने वाला काम। तो बस इधर कढ़ी जो है ऑलमोस्ट डन है और यहाँ पर जो है अभी तड़का लगा देते हैं। तो मैंने वही सेम जैसा तड़का मैं लगाती हूँ मस्टर्ड ऑयल में, फिर थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी राई डाली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, मेथी, हींग और लाल मिर्च सूखी, थोड़े से प्याज और थोड़ा सा लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है। और बस थोड़ी सी लाल मिर्च मैं इसमें एंड में ऐड करूँगी सूखी वाली, और पकौड़े अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ कढ़ी में, वरना पहले ही डाल दो ना तो बिल्कुल गल जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर मसाला रेडी है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूँगी मैं इसमें क्योंकि लाल मिर्च से कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और ये सारा तड़का रेडी है तो इसको कढ़ी में डाल देते हैं। और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।